वेलकम बैक टू माय चैनल दी होटेलियर एचआर। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी होती हैं। इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को सिर्फ रिक्रूटमेंट करना है, बट उसके साथ में उसको होल्ड करके, एम्प्लॉयज को होल्ड करके एम्प्लॉयज की ग्रोथ को भी देखना होता है। आज हम बात करेंगे दी एचआर मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले एचआर मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यस, रिक्रूटमेंट मींस जब हमें कैंडिडेट्स को हायर करना होता है और उनको सेलेक्ट करना होता है। अब एक अच्छा कैंडिडेट हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिया होगा। प्लीज अब वीडियो देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछ के एक राइट कैंडिडेट को और उसका क्या माइंडसेट होता है और क्या उसका माइंडसेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन से मीट करता है नहीं करता है, कोर वैल्यूज जो होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की उनसे मीट करती है नहीं करती है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरोल। पेरोल के अंदर जब हम बात करते हैं, पेरोल के अंदर उनका सैलरी ब्रेकअप कितना रहना चाहिए, क्या उसका सैलरी डिवीजन होना चाहिए, एज पर जो न्यू मिनिमम वेजेस आते रहते हैं तो क्या उनकी सैलरी को अमेंड करना है, और कैसे सारी लीगलिटी जितनी भी लीगलिटीज होती हैं उनको ध्यान रखते हुए उनका सैलरी ब्रेकअप पूरा बनाना होता है। उसके साथ साथ में मंथ में कितने दिन एम्प्लॉयज प्रेजेंट हैं, उनकी लीव्स वगैरह, उन सबको एडजस्ट करना होता है। सो पेरोल के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब आप एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं और उनको जब करियर ग्रोथ नहीं मिलता, उनको जब सैलरी ग्रोथ नहीं मिलती है, ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू मूव ऑन। जिससे आपने जितना भी टाइम और उनको ट्रेनिंग दी हुई है एम्प्लॉयज को, वो सब वेस्ट हो जाती है। तो उनका जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उस टाइम पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, एम्प्लॉयज के सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके साथ में उसकी करियर ग्रोथ, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इन सब पॉइंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट सॉरी द फोर्थ पॉइंट ऑफ एचआर मैनेजर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, पीएफ, ईएसआई, लेबर लॉज, सो मेनी थिंग्स आर देयर। नाउ एचआर मैनेजर की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है के सारी जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर, उनको उन सबको ध्यान रखते हुए, उन सबको देखते हुए जो रिसेंट अमेंडमेंट्स होते हैं, ताकि हमारी कंपनी पे जहाँ पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं उसमें कभी कोई इश्यूज ना आए। नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन इज होल्डिंग द एम्प्लॉयज, कॉल्ड एम्प्लॉय रिटेंशन। नाउ एम्प्लॉय रिटेंशन क्या है? आपने सपोज एक एम्प्लॉय हायर किया, आपने उसको ट्रेन किया, आपने उसको सब कुछ सिखाया, उसको एक जीरो लेवल से लेके आप लेवल फाइव तक लेके गए, एंड उसके बाद जैसे वो लेवल फाइव पे पहुंचा उसने जॉब चेंज कर दी। एंड सो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी ट्रेनिंग पे, उसको सिखाने में, उसको समझाने में, कंपनी की कोर वैल्यूज को उसके अंदर डालने में, कंपनी के माइंडसेट को उस एम्प्लॉय के अंदर डालने में, वो सब हमारा लॉस्ट हो जाता है। तो एम्प्लॉय को रिटेन करना भी बहुत जरूरी है। अब एम्प्लॉय के रिटेन करने के लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है जो एक एचआर मैनेजर को बनानी पड़ती है, चाहे वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो चाहे कुछ भी हो। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट एम्प्लॉय एंगेजमेंट अगेन। एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज अबाउट होल्डिंग द एम्प्लॉयज। जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन की और एम्प्लॉय एंगेजमेंट की, दोनों चीज बहुत डिफरेंस है। एम्प्लॉय रिटेंशन आपको एम्प्लॉय को रोकना है, एम्प्लॉय को जाने नहीं देना है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट जब एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको आपको उस कंपनी से एक रिलेशन, एक बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखनी है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सो दीज आर दी responsibilities of HR manager. I hope you like this video. If you like, then please subscribe and let me know if any of you want to know some more job description about the hotel industry.